Rajnath Singh to make a statement on terrorist attack in Gurdaspur, Punjab. No. Not allowed. सर ये गृह मंत्री जी को आपने कॉल किया है सेना की यूनिफॉर्म में नो नो तादाद में सी ऑनरेबल मेंबर्स दिस इज अ स्टेटमेंट सी देयर इज नो पॉलिटिक्स इन दिस इज अ स्टेटमेंट ऑन टेररिस्ट अटैक द एनडीआर नेशन इज कंसर्न्ड अबाउट वी वांट टू हियर इट यू लिसन एंड हियर भारतीय कार नंबर नो 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 09B ऊंची आवाज में पढ़ो नो 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 पर गोलीबारी नो 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 सब इंस्पेक्टर जो पुलिस स्टेशन जब बाहर निकले आतंकवादियों द्वारा फायरिंग करते हैं घायल कर दिया आतंकवादी गोलीबारी करते हैं मात्री की आतंकवादियों का सामना किया हवलदार राम पुलिस स्टेशन के अंदर चले गए और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया ताकि आतंकवादी पुलिस स्टेशन के अंदर प्रवेश न करें अंधाधुंध फायरिंग के बाद पुलिस स्टेशन के बगल में किरण अस्पताल में तीन मरीज भी गोली लगने से घायल हो गए जिनमें से दो लोगों की मृत्यु हो गई इस दौरान आतंकवादी पुलिस स्टेशन के अपनी बिल्डिंग तत्काल री इन्फोर्समेंट पुलिस स्टेशन उसके उपरांत आतंकवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन के संचालन निगरानी के लिए पंजाब पुलिस अधिकारियों की स्थल पर पहुंच गई दोनों तरफ से हुई फलस्वरूप कम से कम आतंकवादियों को भागने से रोकने तथा उन्हें जिंदा पकड़ने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा लगातार हर प्रयास जारी रखे गए अंत में इस सफल ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया ऑपरेशन के दौरान पुलिस अधिकारी श्री बलजीत सिंह एसपी डिटेक्टिव गुरदासपुर आतंकवादियों का सामना करते हुए शहीद हो गए पंजाब पुलिस ने आतंकवादियों से 3 AK-47, 19 मैगजीन और 2 CPF सहित भारी मात्रा में अवैध सामग्री बरामद की है जिसको एनालाइज किया जा रहा है मैं पंजाब पुलिस द्वारा किए गए इस सफल ऑपरेशन की हृदय से सराहना करता हूं और पंजाब पुलिस को बधाई देता हूं सरकार की तरफ से सभापति महोदय GPF डाटा की प्रारंभिक संकेत मिले हैं कि आतंकवादियों ने गुरदासपुर जिले के यहाँ रावी नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है से घुसपैठ आशंका व्यक्त की जा रही है कि इन्हीं आतंकवादियों ने जम्मू प्रधान को रेल मार्ग पर दीना नगर और छकोल नदी के बीच तलबंदी किया गया है
में रहा है। इस ऑपरेशन में पंजाब पुलिस की सहायता करने के लिए आर्मी और एनएसजी को विकल्प के रूप में तैयार रखा गया था। मैंने स्वयं मुख्यमंत्री पंजाब से आपकी एवं केंद्र सरकार द्वारा सभी आवश्यक सहयोग के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और आर्मी को विशेष रूप से सीमा पर हाई अलर्ट रखा गया। इस आतंकी हमले में 3 नागरिक, 3 होमगार्ड के जवान एवं एक पुलिस अधिकारी से कुल 7 लोगों की मृत्यु हो गई और इसके अतिरिक्त 10 नागरिक और 7 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। उपसभापति महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूँ कि विगत 1 माह में जम्मू और कश्मीर सीमा पर घुसपैठ के कुल 5 प्रयास किए गए, जिसमें 8 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करते हुए 4 प्रयासों को विफल कर दिया गया। घुसपैठ की शेष 1 अन्य घटना में आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई के कारण वापस लौटना पड़ा। भारतीय सुरक्षा बल सीमा क्षेत्र में सतर्क रहती है, परंतु कठिन भौगोलिक परिस्थितियां एवं मूसलाधार बारिश होने से सीमा क्षेत्र की नदियों एवं नहरों में अत्यधिक तेज बहाव के कारण एक आतंकवादी भारतीय समुदाय घुस पाने में सफल हुए होंगे। उपसभापति महोदय, मैं सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भारत की एकता एवं अखंडता तथा देश के नागरिकों की सेफ्टी एवं सिक्योरिटी को अंडरमाइन करने के देश के दुश्मनों के किसी भी प्रयास का हमारे सुरक्षा बलों द्वारा त्वरित एवं मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सरकार आतंकवाद से दृढ़ता लड़ाई से भी हटने के लिए प्रतिबद्ध है और सीमा पार से चलाए जा रहे सभी आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उपसभापति महोदय, मैं सरकार की ओर से सभी मृत नागरिकों एवं वीरगत को प्राप्त हुए सुरक्षाकर्मियों के परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ तथा सभी घायलों को जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। On Friday, the 31st of July 2015, at 11 a.m. on Friday, 31st July.